बीते दिनों दुर्ग के ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण के बाद दुर्ग विधायक अरुण वोरा द्वारा गुपचुप तरीके के साथ सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन कर दिया गया और उस जनता को भी इस उद्घाटन समारोह से दूर रखा गया जिनके लिए ये बनाया गया है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने आरोप लगाया है कि विधायक महोदय सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये काम किया है और आम जनता से छल किया है। ठगड़ा बांध का उद्घाटन कल किया गया लेकिन इसमें विधायक जी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए न तो आम जनता को उसमें सूचना दी और न ही विपक्ष को सूचना दी। इसका श्रेय खुद को मिले, उनकी पार्टी को मिले, इस वजह से ऐसी हरकत की गई। ये आपका सिर्फ आपका प्रोजेक्ट नहीं था, यह पूरे दुर्ग शहर का प्रोजेक्ट था जिसके मालिक सिर्फ कोई दल नहीं और कोई जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम जनता है। आम जनता को इससे वंचित रखा गया और आनंद फानंद में आपने ये सभी चीजें की ताकि आप जो आचार संहिता है उसके पहले ये इसकी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, आचार संहिता के पहले आप इस चीज को बना सकें। आनंद फानंद में इसलिए भी किया गया और आम जनता को इसलिए भी सूचित नहीं किया गया कि वहां पर जनता आती और वो देखती कि ये तो अभी निर्माण अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन अपनी श्रेय की राजनीति के लिए आपने ये ऐसा किया जिसमें कुछ MIC मेंबर, कुछ पार्षद थे और कुछ कर्मचारी।